हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसका नाम है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए। अगर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स समझना है तो आपको रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस अच्छे से आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस होता क्या। द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज द सिंगल फोर्स दैट वुड प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एज टू और मोर फोर्सेस दैट आर अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस क्या होता है। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज अ सिंगल फोर्स। क्या ये सिंगल फोर्स दैट वुड प्रोड्यूस सेम इफेक्ट, क्या करेगा ये सेम इफेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एज टू और मोर फोर्सेस दैट आर अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब रिजल्टेंट का है जो दो और दो से ज्यादा फोर्स जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे वही सिंगल फोर्स भी वही सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे। इसका मतलब है रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। चलिए बात करते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस कैसे, किन किन फोर्सेस का फाइंड करेंगे। लेट अस कंसीडर वन टेबल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजल्टेंट। तो हमारे मन में जब रिजल्टेंट की बात आती है तो हम सोचते हैं रिजल्टेंट या तो हम वन फोर्स का निकालेंगे या फिर टू फोर्स का निकालेंगे, वेदर इट इज थ्री और मोर देन थ्री। ठीक है, जब हम वन फोर्स की बात करते हैं तो वहां रिजल्टेंट की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज वन फोर्स में नो रिजल्टेंट। वन फोर्स का तो कोई रिजल्टेंट ही नहीं होगा, रिजल्टेंट है ना। वन फोर्स में तो रिजल्टेंट की जरूरत ही नहीं है, नो रिजल्टेंट। एक फोर्स मान लो ये पी फोर्स अप्लाइड है तो इसका आप क्या रिजल्टेंट निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो आपको दिखाई दे रहा है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टू फोर्सेस, जब हम दो फोर्स की बात करेंगे तो मान लीजिए हमको दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना है तो ऑलवेज रिमेंबर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है माय डियर, जब हम टू फोर्सेस की बात करेंगे तो यूज करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्री फोर्सेस, मान लीजिए थ्री फोर्सेस कॉन्करेंट लगे हुए हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द लामीज थ्योरम। किसकी बात करेंगे, लामीज थ्योरम। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्री और मोर देन थ्री फोर्सेस वी विल यूज जनरल रूल। ठीक है, मैं अभी आपको इन सबको एक्सप्लेन करूंगा। वन फोर्स में तो माय डियर आपको रिजल्टेंट की जरूरत ही नहीं है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टू फोर्सेस ऑलवेज यूज लामीज थ्योरम एंड वी व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द थ्री फोर्सेस ऑलवेज यूज लामीज थ्योरम। व्हेन वी आर यूजिंग थ्री और मोर देन थ्री फोर्सेस ऑलवेज यूज जनरल रूल। चलिए बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम क्या होती है। Now we will see law of parallelogram. What is law of parallelogram? Definition क्या कहती है इसकी? The resultant of two vector quantities. कितनी? Two vector quantities represented in magnitude, direction and sense by two adjacent sides of a parallelogram. Parallelogram both of which are directed towards or away from their point of intersection in the diagonal of a parallelogram through that point. चलिए आपकी समझ में आया होगा। Let us consider मान लीजिए कोई फोर्स आपका आर है एंड दिस वन इज वन फोर्स एंड दिस इज another फोर्स। ठीक है, मान लीजिए आपका ये जो टोटल एंगल है आपका, लेट अस कंसीडर दिस वन इज, ये आपका जो टोटल एंगल है मान लीजिए ये है पूरा आपका अल्फा और ये जो एंगल है ये है आपका मान लीजिए थीटा। ठीक है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। इसकी वैल्यू आप मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर ये जो आपका फोर्स है वो मान लीजिए पी है एंड दैट वन इज क्यू। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी, आपके पास दो फोर्स है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। तो आपका एक फोर्स पी है, दूसरा फोर्स क्या है क्यू, और ये क्या है इसका रिजल्टेंट।
अल्फा इज एंगल बिटवीन पी एंड क्यू एंड आर इज द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एंड थीटा इज द एंगल फ्रॉम द फोर्स पी। ठीक है, तो जो आपकी डेफिनेशन कह रही है वो कह रही है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में एंड सेंस में टू एडिसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब देखिए अगर मैं इसको पूरा करता हूं, अगर मैं इस चीज को ऐसे मिला देता हूं यहां पे और इसे यहां पे मिला देता हूं, तो एक तरीके से क्या बन जाता है, ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम बन रहा है एक तरीके से, है ना। तो आपको क्या फाइंड करना है, इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो रिजल्टेंट के लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला याद रखोगे, आपको आर फाइंड करने के लिए होता है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा। ठीक है माय डियर, आपको जब भी रिजल्टेंट फाइंड करना है दो फोर्सेस का, मान लीजिए फोर्स ये पी था दूसरा क्यू था और ये अल्फा एंगल पे एक्ट कर रहे थे दोनों। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आर निकालोगे आप, वो होगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा। माय डियर, मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसका प्रूफ भी दूंगा कि ये कैसे प्रूफ होता है, बट यहां हम प्रूफ की बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपको टेन थीटा निकालना है, थीटा आर से कितना एंगल बनाता है, पी फोर्स से थीटा एंगल बना रहा है ये, आपको थीटा निकालना है तो फॉर्म होता है क्यू साइन अल्फा अपॉन क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। ठीक है, आगे होगा आपकी समझ में, टेन थीटा फाइंड करना है आपको, ये होता है क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। तो दीज आर टू फॉर्मूलाज विच इज यूज इन द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। सपोज आपका कोई स्पेशियल केस आता है, स्पेशियल केस क्या बनता है, मान लीजिए आपका स्पेशियल केस आता है कि आपकी अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, है ना, यानी कि आपके ये दोनों फोर्सेस हो 90 डिग्री हो जाए, तब आपको मान लीजिए आर फाइंड करना है तो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है माय डियर, बिकॉज जब आप इसकी वैल्यू 90 डिग्री रख दोगे यहाँ पे तो कॉस 90 कितना होता है, जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या निकल के आ जाएगा आपका, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अगर आपकी अल्फा की वैल्यू केस वन तो इसे मान लेते हैं, केस टू एक और मानते हैं, मान लीजिए आपकी अल्फा की वैल्यू जीरो डिग्री हो जाए। ठीक है, तो जब आप कॉस अल्फा में जीरो पुट कर दोगे तो जब आप आर निकालोगे तो ये आपका निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू। ठीक है माय डियर, टू पी क्यू, और जब आप इससे देखोगे तो ये नन अदर देन दिस इज पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट है, तो आपका रिजल्टेंट होगा पी प्लस क्यू। ठीक है, नंबर थर्ड स्पेशल केस लेते हैं, इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, आपका मान लीजिए अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाती है, जब आप पुट करोगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू, बिकॉज कॉस में जब आप 180 डिग्री रखोगे तो कॉस 180 इज इक्वल टू होता है माइनस वन। ठीक है, जब आप ये पुट करोगे तो यह माइनस आपको टू पी क्यू मिलेगा। वेन यू विल कैलकुलेट आर इट विल बी अंडर रूट ऑफ पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, अगर आपका पी बड़ा है तो पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर अंडर रूट से अंडर रूट कटेगा तो यहां पे मिलेगा आपको पी माइनस क्यू। ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के तीन बड़े इंपॉर्टेंट केस हैं। ठीक है, मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का प्रूफ भी दूंगा। तो आर का आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, स्पेशल केस समझ में आ गए, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लामीज थ्योरम क्या कहती है। लामीज थ्योरम कहती है इन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स लामीज थ्योरम इज ए इक्वेशन दैट लीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री कोप्लिनर कॉन्करेंट एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस दैट कीप्स ए बॉडी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन है इसकी, लामीज थ्योरम स्टेट्स दैट इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। इट मीन्स लेट अस कंसिडर देर आर थ्री फोर्सेस विच आर कॉन्करेंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, विच आर कोप्लिनर, विच आर कॉन्करेंट, मान लीजिए ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, ठीक है, एंड दिस इज अनदर फोर्स, दिस वन इज पी, दिस वन इज क्यू एंड दिस वन इज आर। P
के सामने का एंगल मान लीजिए अल्फा है, क्यू के सामने का एंगल लेट अस कंसीडर बीटा, एंड दिस वन इज गामा। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस है वो कोप्लिनर भी है, कॉन्करेंट भी है, एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस भी है। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, जैसा कि डेफिनेशन कह रही है। जो पी फोर्स होगा, पी किसके बराबर होगा, पी अपॉन सामने वाला एंगल कौन सा, पी अदर दोनों फोर्सेस के बीच एंगल हो सकता है साइन अल्फा। ठीक है माय डियर, अगर आप क्यू की बात कर रहे हो, क्यू के सामने का एंगल है बीटा, तो ये होगा क्यू अपॉन साइन बीटा। साइन बीटा इज इक्वल टू, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स आर, आर इज इक्वल टू साइन गामा। ठीक है माय डियर, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लामीज थ्योरम। दिस इज यूज्ड फॉर द कोप्लिनर, कॉन्करेंट एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस। इफ देयर आर थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन एनी बॉडी वी विल यूज लामीज थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जनरल रूल ऑफ रिजल्टेंट क्या कहता है। मान लीजिए आपके दो तीन चार पांच जितने भी फोर्सेस हो वो किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो। मान लीजिए एक आपका ये कोई पॉइंट है, यहां पे कोई आपका एक फोर्स लग रहा हो, लेट अस कंसीडर पी वन एंड दिस वन इज पी टू, है ना, दिस वन इज पी थ्री, दिस वन इज पी फोर एंड दिस वन इज पी फाइव। ठीक है, अब मान लीजिए आपको इन फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, रिजल्टेंट फाइंड करना है इन पांच फोर्सेस का जो कि एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो जनरल रूल क्या कहता है कि आप एक कोऑर्डिनेट बना लीजिए। मान लीजिए आपको एक कोऑर्डिनेट बनाना है, एक कोऑर्डिनेट बना लीजिए, ये रहा आपका एक कोऑर्डिनेट, ये आपका एक कोऑर्डिनेट है, ये आपकी एक और एक्सिस है। ठीक है, अब इन फोर्सेस को जैसे पी वन फोर्स है, इस पॉइंट से एस लगा लीजिए, दिस वन इज पी वन। ठीक है, मान लीजिए दिस वन इज पी टू। ठीक है, दिस वन इज पी थ्री। ठीक है, दिस वन इज पी फोर एंड दिस वन इज पी फाइव। ठीक है माय डियर, ये पांच फोर्स थे जो कि हमने, ये आपका एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है, ये दिस वन इज योर एक्स एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, दिस वन इज योर वाई वाई एक्सिस। ठीक है, इन फाइव फोर्सेस को हमने इस कोऑर्डिनेट पे शो कर लिया है। जो एंगल बना रहे हैं, लेट अस कंसीडर एक्स एक्सिस से पी वन जो फोर्स बना रहा है वो आपका अल्फा वन है। ठीक है, ये जो आपका फोर्स है इससे ये अल्फा टू है, दिस वन इज अल्फा थ्री, दिस वन एंगल इज फ्रॉम इससे, ये मान लीजिए अल्फा फोर है एंड दिस एंगल इज, दिस वन इज अल्फा फाइव। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा जो हमें फोर्स, फाइव फोर्स अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में दे रखे थे, हमने दो एक्सिस पे एक्स और वाई एक्सिस पे इन फोर्सेस को शो कर लिया। द पी वन फोर्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस जो एंगल मेक कर रहा है वो अल्फा वन है, पी टू फोर्स जो एक्स एक्सिस से एंगल कर रहा है वो अल्फा टू है, पी थ्री अल्फा थ्री एंड सिमिलर। क्या करना है हमें, इन फोर्सेस को हमें एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजोल्व करना है। हमें सारे फोर्सेस को एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजोल्व करना है। कैसे रिजोल्व करना है, तो आपको यहां पर समेशन ऑफ एफ एक्स निकाल देना है सारे फोर्सेस का, एंड हेयर यू विल कैलकुलेट समेशन ऑफ एफ वाई। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको, समेशन ऑफ एफ एक्स। आपको बिना सोचे समेशन ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है, बिना सोचे, मतलब क्यों कि आपने सारे एंगल आपने कहां से मेजर किए हैं, एक्स एक्सिस से। ये कंपलसरी है, ये जरूरी है, ये आवश्यक भी है कि आप सारे फोर्सेस एक्स एक्सिस से मेजर कर लें। जब आप एक्स एक्सिस से मेजर कर लोगे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पी वन का ये वाला कंपोनेंट होगा पी वन कॉस अल्फा वन। ठीक है, पी वन का ये वाला कंपोनेंट होगा पी वन कॉस अल्फा वन, ऐसे ही पी टू कॉस अल्फा टू प्लस पी थ्री कॉस अल्फा थ्री प्लस पी फोर कॉस अल्फा फोर प्लस पी फाइव कॉस अल्फा फाइव। ठीक है माय डियर, अब आपको इस फोर्स की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका
P1 का कंपोनेंट आपने Fx डायरेक्शन में ले लिया, एक इसका कंपोनेंट Fy में भी आ रहा होगा यहाँ पे। सपोज वी विल कैलकुलेट समेशन Fy, Fy में क्या आ रहा होगा, जैसा मैंने आपको बताया था जिधर एंगल होता है वहां cos आता है अदर देन sin, यहां आ रहा होगा आपका P1 sin अल्फा 1, ठीक है, प्लस P2 sin अल्फा 2 प्लस P3 sin अल्फा 3 प्लस P4 sin अल्फा 4 प्लस P5 sin अल्फा 5, ठीक है माय डियर। अब आपने देखा आपका ये जो प्रॉब्लम थी ये आपका x एक्सिस था, ये आपका y एक्सिस था, ठीक है। अब आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपकी दो फोर्सेस में कैलकुलेट हो गई है, यहां तो आपको fx मिल गया है एंड हियर यू हैव गॉट समेशन fy, जो आपके फाइव फोर्सेस की ये प्रॉब्लम थी, आपने एक कोऑर्डिनेट लिया x और y एक्सिस इन पे शो कर लिया और नाउ द प्रॉब्लम इज चेंज इनटू टू पार्ट्स, है ना, और ये आपको पता ही है क्योंकि कोऑर्डिनेट 90 डिग्री होता है। नाउ टू फोर्सेस एक्ट एट राइट एंगल, एट राइट एंगल मींस नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट एंड यू हैव ओनली टू फोर्सेस, द रिजल्टेंट क्या होता था आपका टू फोर्स का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा, है ना, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या आपकी 90 डिग्री, ठीक है माय डियर। जब आपकी इसकी 90 लाओगे ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो, है ना, ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो, तो आपका जो रिजल्टेंट बचेगा वो बचेगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और पी की वैल्यू क्या है समेशन एफ एक्स, तो दैट विल बी समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर, ये मिलेगा आपको, ठीक है, एफ एक्स का स्क्वायर एंड समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर। मान लीजिए आपको इन फोर्सेस का एक रिजल्टेंट ये एक्ट कर रहा है, मान लीजिए ये इन फोर्सेस का रिजल्टेंट है r, ठीक है, जो हमने r फाइंड किया है, वो यहां से जो एंगल बनाता है x एक्सिस से, मान लीजिए वो थीटा एंगल बनाता है। इफ यू विल कैलकुलेट द रिजल्टेंट थीटा, थीटा कौन सा, ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है वो x से कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो ऑलवेज इट इज समेशन एफ वाई ओवर समेशन एफ एक्स, ठीक है माय डियर, ऑलवेज This is summation fy upon summation fx. तो माय डियर आपको बड़े अच्छे समझ में आ गया, जो जनरल रूल है वो आप कितने भी फोर्सेस लगा सकते हो, टू थ्री और मोर देन थ्री फोर्सेस, तो आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या देखा, चलिए रिवाइज करते हैं तीनों स्लाइड्स को, रिवाइज में देखते हैं हमने पहले देखा था रिजल्टेंट कैसे फाइंड करोगे, तो आपके पास रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए तीन फोर्सेस, रिजल्टेंट फाइंड करेंगे आप वन फोर्सेस का, टू फोर्सेस का, थ्री फोर्सेस का या फिर मोर देन थ्री। जब वन फोर्सेस की बात की हमने नो रिजल्टेंट, टू फोर्सेस के लिए यूज करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, थ्री फोर्सेस के लिए लामीज़ थ्योरम एंड फोर फोर्सेस के लिए जनरल रूल फाइंड करोगे। फोर फोर्सेस के लिए क्या फाइंड करोगे आप, जनरल रूल, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच चैनल देखने के लिए, आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, देखते रहिए ऐसे ही, आपके लिए मैं और भी बहुत सारी वीडियोस लाता रहूंगा इसी तरह, टिल दैट बाय बाय। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू वेरी मच।